जी हाँ, इंडिया वाले पूरे वर्ल्ड में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए निकल चुके हैं और इस वर्ल्ड टूर के लिए जाते हुए हैप्पी न्यू ईयर के स्टार्स को जूम ने कवर किया मुंबई एयरपोर्ट पर। यहाँ सबसे ज्यादा खुश फराह खान नजर आए क्योंकि कई सालों बाद वो खुद डांस करेंगे। आपको पता है 6 सिटीज जा रहे हैं हम अमेरिका में एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। आई हैव सीन द रिहर्सल्स, मैं खुद डांस कर रही हूँ उसमें बहुत सालों के बाद एंड एवरीवन इज डूइंग देयर मोस्ट पॉपुलर नंबर्स एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ नंबर्स फ्रॉम हैप्पी न्यू ईयर। बमन ईरानी का कहना है कि उनके वर्ल्ड टूर में सब कुछ स्पेशल होगा। स्पेशली होगा ना, इतना मेहनत करके हम लोग सब लोग जा रहे हैं तो कुछ स्पेशल ही होगा। थोड़ा फराह खान के जितने भी पिक्चर्स के जो शोकेसिंग होंगे, थोड़ा बहुत ट्रेलर इसका भी लगेगा, हम लोग लाइव करेंगे स्टेज पे। विवान भी शाहरुख खान के साथ अपने इस टूर को लेकर नजर आए काफी ज्यादा एक्साइटेड। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू बी गोइंग फॉर द स्लैम टूर, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सोनू सूद ने जूम को बताया कि फिल्म की शूटिंग के वक्त ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो फिल्म का प्रमोशन वर्ल्ड वाइड करेंगे। आई थिंक ऑल यू नो बिकॉज़ ऑफ द फिल्म हैप्पी न्यू ईयर इज सच अ स्पेशल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस और सब लोगों ने सोचा ही था। इनफैक्ट शूटिंग के दौरान ही प्लान बन गया था कि यू नो इतना बड़ा वर्ल्ड टूर करना है और सॉन्ग्स बहुत कमाल के हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं, सो आई थिंक मोर ऑफ अ रीजन फॉर अस टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर अ शो। वेल, यहां पर दीपिका भी मिले लेकिन भीड़ इतनी थी कि दीपिका ने सिर्फ थैंक यू बोला और चली गई। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो यहाँ पर यो यो हनी सिंह का बात करना था, जो कह गए कि खराब तबीयत के बावजूद भी वो शो कर रहे हैं। पता नहीं भाई, मेरी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और शाहरुख भाई का प्यार है इसलिए जा रहा हूं तो। Well, अब ये वर्ल्ड वाइड टूर कैसा रहेगा इसकी अपडेट भी सबसे पहले जूम आपको देगा। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई।